हाय फ्रेंड, तो आज फिर से आप लोग एक न्यू वीडियो लाए हो और इस वीडियो पर आप लोग क्लिक किए कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो प्लीज़ इतना थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जो है पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो पर पूरा देख लीजिएगा तो आप लोग जो है जो प्रॉब्लम्स आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्रॉब्लम आप लोग सोल्व हो जाएगा। से तो चाहते हैं आप लोग प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, अपना प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो आप लोग को पूरा प्रॉब्लम जो है जिस प्रॉब्लम के लिए आप लोग वीडियो पर क्लिक किए उस प्रॉब्लम आप लोग पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोग सोल्व करके आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा नहीं कीजिएगा। जरा वीडियो पर आप लोग के सामने नहीं है, जिसे आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो भी जरा बड़ा नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल वी कैन टेक पर। नोट वन नो पास टेक कर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा नोकल कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हर तरह का न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, टेक का वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड, आप लोग फोटो खींचते होंगे, फोटो खींचते होंगे तो किसी के पास आप पीडीएफ के द्वारा फोटो भेजना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप में जो पीडीएफ के द्वारा भेजने के लिए आप लोग पीडीएफ जो व्हाट्सएप में अलग से बनाना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो अपना फोटो को, अपना इमेज को, कोई भी फोटो, कोई भी आप लोग कोई भी फोटो हो, चाहे किसी का भी फोटो हो, आप लोग उसे पीडीएफ में बना के अपना फाइल में सेव करना चाहते हो, पीडीएफ बना के आप लोग फाइल में सेव करने को चाहते हो, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप में किसी फ्रेंड के पास भेजते हो तो उसी के पास चल जाता है और उसके बाद आप लोग फाइल में सेव नहीं होता पीडीएफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना पीडीएफ, अपना फोटो का पीडीएफ आप लोग फाइल में बना के सेव करने के लिए, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं, इसी पर इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे अपना फोटो को पीडीएफ बना के अपना जो है फाइल मैनेजर में आप लोग सेव कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत, कोई ऐप आप लोग को, कोई जो है आप लोग ऐप भी डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, ओनली आप लोग अपना स्मार्टफोन से ही आप लोग जो है हो जाएगा, कोई उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को अपना गैलरी होगा, अपना कोई भी मतलब होगा, गैलरी होगा, फाइल मैनेजर होगा, तो आप लोग गैलरी में जो आप लोग क्लिक कर दीजिए तो आप लोग कोई भी फोटो, आप लोग जो फोटो है आप लोग जो है अपना बनाना चाहते हैं, कोई फोटो आप लोग जो है, कोई भी फोटो आप लोग, कोई फोटो आप हो किसी का भी फोटो आप लोग फोटो बनाना चाहते हैं, तो फोटो पर आप लोग फोटो जो है अपने सामने लाइए। फोटो लाने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह के इंटरफेस आप लोग सामने आता है, कोई फोटो आप लोग फोटो पर जैसे गैलरी में क्लिक किया, फोटो लाइए, फोटो लाने में आप लोग को इस तरह कुछ इंटरफेस आप लोग के सामने जैसे आप लोग आएगा, तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, उसके बाद आप लोग को फोटो जो जैसे क्लिक कीजिए उसके आप लोग यहाँ पर थ्री डॉट आप लोग सामने दिख रहा है, थ्री डॉट ये जो आप थ्री डॉट दिख रहा है, आप थ्री डॉट पर जो है क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पर क्लिक करने बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं प्रिंट, ये प्रिंट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस प्रिंट पर आप लोग जो है क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा, प्रिंट पर क्लिक करने बाद आप लोगों को कुछ इस तरह के ऑप्शन आप लोग सामने आ जाएगा, आप लोग को लाइव दिखाएंगे पीडीएफ मेरा बना या नहीं बना, तो उसके आप लोग इस तरह के इंटरफेस आ जाता है आप मोबाइल में, इस तरह आने बाद आप लोग प्रिंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोग को एक और चीज़ करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग पीडीएफ लोग आप लोग दिख रहा हुआ है, पीडीएफ ये पीडीएफ आप लोग जो दिख रहा है पीडीएफ, यही आप लोग मेन काम जो आप लोग को करेगा। तो पीडीएफ आप लोग दिख रहा है पीडीएफ, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे पीडीएफ पर क्लिक कीजिए उसके आप लोग कोई नाम क्लिक करने पर आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर देखिए आप डाउनलोड दिख रहा है, डाउनलोड डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा यहाँ सेव करने का जो ऑप्शन आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी अपना नाम जो भी नाम नाम लिख लीजिएगा, लिखने बाद आप लोग यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव पर क्लिक कीजिएगा ये पीडीएफ बन गया। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं ये पीडीएफ बना के बना, तो हम अपना फाइल मैनेजर खोल लेते हैं, फाइल मैनेजर जैसे खोलते हैं उसके आप लोग चलते हैं हम अपना डॉक्यूमेंट में चलते हैं, डॉक्यूमेंट में चलने बाद आप तो ये मेरा देखिए बिट्टू पीडीएफ देखिए बन गया। तो चलिए सर हम ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, दिखाते हैं कैसे देखिए मेरा ये देखिए पीडीएफ बन गया। इसे हम पीडीएफ में कैसे किसी के पास शेयर कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये पीडीएफ में ही किसी फ्रेंड के पास जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं इसे करें तो अपना जो है किसी को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ऊपर जाइए और प्रिंट पर क्लिक कीजिए, प्रिंट पर क्लिक करना है, पीडीएफ पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ पर क्लिक करने बाद आप लोग यहाँ पर सेव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटा को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलता रहेगा। ये भी मस्त वीडियो है और इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आज का इतना मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।